आईसी सेक्शन के गढ़वा रोड स्टेशन पर महाराष्ट्र जा रहे 8 बाल मजदूरों को ठेकेदार के चुंगल से मुक्त कराकर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। वह ठेकेदार वाल्मीकि ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सुपुर्द किया गया है। जीआरपी इंस्पेक्टर सीबी राम और गढ़वा रोड रेल पीपी प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सभी बाल मजदूरों को गढ़वा रोड स्टेशन पर एक वयस्क व्यक्ति के साथ संदिग्ध अवस्था में देखकर पूछताछ किया गया। तब सभी बाल मजदूरों ने बताया कि उन्हें रेहला थाने के डिहारिया गांव के वाल्मीकि ठाकुर महाराष्ट्र की एक बेकरी कंपनी में काम कराने के लिए ले जा रहे थे। जीआरपी प्रभारी श्री सिंह ने बताया कि बाल मजदूरों के साथ ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने स्वीकार किया कि वे सभी 8 बाल मजदूरों को अपने साथ ले जा रहा था। इंस्पेक्टर श्री राम ने बताया कि सभी बाल मजदूरों को बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है, जबकि ठेकेदार वाल्मीकि ठाकुर के विरुद्ध ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत मामला दर्ज कर रेलवे दंडाधिकार के न्यायालय में सुपुर्द किया गया है। मौके पर बाल कल्याण पदाधिकारी उदय यादव सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।